सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग और गाइज, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नए एपिसोड में गाइज, आर्क सर्वाइवल इवोल्व के आर्क अवतार 2 के। तो गाइज आर्क अवतार 2 के पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा गाइज कि हमने ना यहाँ पे ब्लड स्टॉकर जो कि हमको स्पाइडरमैन बनने की एबिलिटी देता है, और हमारा दूसरा एक और डायनो हमने पिछले एपिसोड में टेम करा था, वो डायनो कौन सा है गाइज, रुको जरा सबर करो आपको दिखाता हूं मैं। लेकिन गाइस वो डायनो यहां पे दिखाने से पहले और आज का एपिसोड शुरू करने से पहले, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट गाइस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइस लिंक मिल जाएगा गेमिंग विद एंड के चैनल का, जिनके चैनल पे गाइस मेरे आर्क की वीडियोस आती रहती, तो वो भी जरूर देख लेना। और गाइस यहां पे अगर आपको आर्क मोबाइल, आर्क पीसी या फिर किसी मोबाइल या पीसी गेम्स के सर्वर बनाने और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नेटराइडो की लिंक है, तो वहां पे जाके अगर आप क्लिक करके कोई सर्वर लेते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और गाइस यहां पे आप जो ना अपने फ्रेंड्स के साथ खेल पाओगे बड़े आराम से, तो फटाक से जाके चेकआउट जरूर कर लेना। तो चले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, करते आज का एपिसोड बिना किसी देरी के शुरू, एंड मचा डालते फुल टू तबाही। और यहां पे जो है ना गाइस, सबसे पहले भाई मेरे को आर्मर लेने दो। हर एपिसोड में मेरा आर्मर 5 से 6 बार हमेशा टूटता है, मतलब टूटता है भाई। वैसे प्रोटेक्शन काफी तगड़ी देता है गाइस ये आर्मर। आप बोलोगे कि इसको भाई इतने बार टूट रहा है तो इसको क्यों पहन रहा है, जो ना टूटने वाला आर्मर है वो पहन लो, तो गाइस ऐसा नहीं है। ये आर्मर ना मेरे को टोटल यहाँ पे प्रोटेक्शन कितने की दे रहा है पता है क्या गाइस, 3000% का आर्मर दे रहा है मेरे को, समझ रहे हो। अगर मेरे को यहाँ पे कोई भाई 10-20 हज़ार ने 5-6 हज़ार का डैमेज दे रहा होगा ना, तो मेरे को उसका भाई काफ़ी कम डैमेज पड़ेगा और मैं जो है ना मरूंगा नहीं यहाँ पे। वरना अगर वो मैं फाइबर वाला आर्मर पहन के चला जाता हूँ ना, तो डायरेक्टली मेरी पेटी बन जाएगी। इसलिए गाइज मैं आर्मर जो ना गाइज पहन के रखता हूँ। एंड अभी जो ना गाइज, हाँ, अल्फा वाइब्रेन का मिल्क, ये मिल्क जो है ना गाइज हमको कब मिला था बताए, जब हमने जो है ना गाइज हमारी ये अल्फा वाइब्रेन जो कि फीमेल वर्जन है ये टेम करी थी, और इसका भाई लेवल उतना ज़्यादा नहीं यार, लेकिन लुक खतरनाक है यार, लुक काफी ज्यादा खतरनाक है, देखो तो भाई। अरे बाप रे भाई, भाई रुक जाओ, नीचे उतर के आपको जो ना कि इसको लुक दिखा देता हूं मैं, ये देखना भाई हमारी फर्स्ट हीरो। एक मिनट, अरे ये नॉर्मल वाइब्रेन से अलग है गाइस, देखना नॉर्मल वाइब्रेन के सिर पे कभी भी हॉर्न्स नहीं होते है, इसके सिर पे देखना गाइस हॉर्न लगे हुए है गाइस। ये वाइब्रेन का डिजाइन पूरा नॉर्मल वाइब्रेन से अलग है। हाँ, पूछ बीच में जैसे आइस वाले वाइब्रेन की पूछ में काटे होते हैं वैसे काटे है गाइज, बाकी पूरा शरीर आइस वाले वाइब्रेन की तरह है। हाँ, बट ऐसे जो ना गाइज उसके पास ना इनविजिबल विंग्स नहीं होते हैं भाई, ठीक है। और यहाँ पे इसका मुंह अगर आप देखोगे, इसके खास करके दांत देखना गाइज, इसके दांत, इसके पास चारा के, व्हाट भाई, हेलो, मैंने वाइब्रेन को कभी भी चारा के नहीं देखी गाइज, ये देखना देखना ध्यान से, नजदीक से देखना है, देखो इसके पास है टोटल 4-4 अखिया भाई, ये देखना भाई खतरनाक भाई। और इसके दांत जो है ना गाइज, जो नुकीले नुकीले दांत है ना गाइज, इनका डिजाइन भी जो है ना गाइज वो काफी ज्यादा अलग है गाइज, यहाँ पे अपने नॉर्मल वाइब्रेन के ना दांतों से काफी अलग डिजाइन है इसका, और दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है गाइज ये ड्रैगन। ओ भाई, ओ भाई, और इसका हॉर्न भी देखो गाइस कितना ज्यादा खुल लग रहा है भाई, इसके लिए तो एक लायक बंदा है यार। आ जाओ, अभी इसका लुक तो देख लिया, बट इसके एबिलिटीज क्या है बताओ। इसके मुंह से भाई लगातार ऐसा भाई स्नो निकलता रहता है क्या, देखना, देख रहे हो धुआं निकल रहा है, स्मोकिंग कर रहा है क्या बेटा, ये ले भाई। ओ बर्फ जोड़ने वाला अटैक है ना मेरे भाई, किसी को भी फ्रीज कर सकते हैं हम इससे। सी वाला अटैक तो भाई अपने विंग्स वाला अटैक होता नॉर्मल सा गाइज। मैं सोच रहा हूँ मैं ना ग्रिफिन छोड़ के ना वाइब्रेन को अभी गाइज वो कर लो यार, ठीक है, रुक जाना अनफॉलो इसको कर लेता हूँ, चाहे फॉलो ही नहीं था अल्फा वाइब्रेन जो है ना गाइज, उसको मैं पहले चेकआउट कर लेता हूँ कि अगर मेरे को वो करना है गाइज, ठीक है, इवॉल्व करना है तो मेरे को क्या लगेगा। ब्लड नहीं वाइब्रेन चाहिए मेरे को, आइस वाला वाइब्रेन यार मेरे पास, एवोल्यूशन ऑफ फायर वाइब्रेन आइस वाला, हाँ आइस वाले वाइब्रेन के लिए मेरे को ब्रायनिक्स का डीएनए चाहिए यार। डीएनए कहाँ पे मिलेगा भाई, एंड एक्सप्लेनेटेड ओके ठीक है, प्रेस कंट्रोल एक्स बाई, एक मिनट रुक जाओ, डीएनए कहाँ मिलेगा ये मेरे को पता नहीं है, डीएनए फैक्ट्री है क्या कहीं पे, स्ट्रक्चर में कुछ है क्या डीएनए वाला, कोई चीज़ है क्या। ये वाले एलेक्मी टेबल भी तो अपन ने बना ली ना गाइज, हाँ ये वाली टेबल भी बना ली है, ये लंबा मिल तो बना लिया यार अपन ने, अपन ने क्या नहीं बनाया अभी तक, ऑयल वेल तो भाई अभी नहीं बनाना चाहता यार मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, फिश फार्म,
अबे ये नहीं चाहिए फिश भी फार्म पे, क्या करूंगा मैं, डीएनए चाहिए मेरे को भाई के बायो बैप वियतनाम विल प्रोड्यूस द वनीला रिसोर्स एंड प्रोवाइड्स अ क्लैशिंग बब टू नियर बाय प्लेयर्स। ऑल राइट, ये तो कुछ अच्छी चीज़ है, बड़े अभी मेरे को नहीं बनानी 500 चीज़ के लिए भाई, इतना ज़्यादा अमीर नहीं बनाया अपन। क्यू हाउस फार्मिंग ये बना लिया, ये क्या चीज़ है का, ये भी बना लिया है ना अपन ने, लंबर इन्वेंटर ओगड़ी के ये भी बना लिया है। समझ ना आ रहा है, मैं अभी बनाऊँ तो बनाऊँ क्या, इसी कौन सी चीज़ें जो बनाना हम भूल गए। वियतनाम हाउस भी बना सकते भाई परमानेंट। स्पॉन बॉसेस भाई, ये बॉस को बना लूँ क्या, इसको मार पाऊंगा कि नहीं मेरे को पता नहीं गाइस, ठीक है छोड़ दो यार। समझ ना आ रहा गाइस, डीएनए जो ना गाइस वो हम कहाँ पे बनाए, डायनोस को इवॉल्व करने के लिए गाइस, ठीक है। एंड ये डीएनए हमको मिलेगा कहाँ पे, ये भी पता नहीं चल रहा। छोड़ो भाई, छोड़ो क्यों भाई, डीएनए अगर होता तो इस वाइब्रन को वो कर देता ना, डायरेक्टली इवॉल्व कर लेता। गाइस रुक जा, मैं थोड़ी सी ना भाई इस मॉड की रिसर्च करके आता हूँ एंड देखता हूँ कि मेरे को डीएनए जो है ना गाइस, जो इनको इवॉल्व करने के लिए डीएनए चाहिए वो मेरे को कहाँ पे मिलेगा। अगर मैं इजीली बना सकता हूँ ना, तो आज के इस एपिसोड में हम इस वाइब्रन को तुरंत ही इवॉल्व कर डालेंगे गाइस, ठीक है। रुको गाइस, ओके गाइस, मेरे को पता चल चुका है कि डीएनए जो है ना गाइस वो मेरे को कहाँ पे मिलेगा भाई, ठीक है। आइस वाइब्रन भाई, ठीक है, आइस वाले वाइब्रन के लिए मेरे को जो डीएनए चाहिए वो चाहिए ब्रायोनिक्स का, चैलिको थ्योरम का एंड खुद आइस वाइवरन का भी। बट मैंने आइस वाइवरन को तो सुलाया था, तो उसमें से तो मेरे को डीएनए नहीं मिला। अच्छा, एक्सलेटेड वाले का चाहिए, ओके 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 ओके, मैंने ये वाले को अल्फा वाले को सुलाया था, ठीक है। सो मेरे को इन डायनोस को जो ना कहीं सुलाना है एंड उसके बाद जो ना कहीं उनका डीएनए मेरे को मिल जाएगा। मेरे को लग रहा है मेरे को पावरफुल वाले ट्रैंक एरो जो ना कहीं वो बनानी पड़ेगी अभी गाइज, मेरे पास और कोई चारा जो ना कहीं चाहिए नहीं। वैसे ये वाले ट्रैंक एरो ना भाई 500 टॉर्पर भाई, 500 टॉर्पर फालतू की 500 टॉर्पर भाई, नहीं चाहिए ये वाले एरो। मैं पावरफुल वाले एरो जो ना कहीं वो बनाने की कोशिश करूंगा गाइज, ठीक है, टेंशन बिल्कुल ले लेने का। अभी जो ना कहीं हम इस वाइब्रन को ना फिलहाल के लिए इवॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, इतना तो मेरे को पता चल चुका है। अभी इस वाइब्रन को लेके चल दे और मचा डालते फुलटू भाई ना मेरे भाई, बराबर से सबको भाई फ्रीज कर डालूंगा। एक मिनट रुक जाओ, फ्रीज करने से पहले ना इसकी लेवल अप करने दो मेरे को, इसके अंदर जो ना गाइस मेरे को डालने तो पहले एफएमके वाला पोशन, ठीक है, देन में डालूंगा। यार ये 60,000 ही हो गया यार, मैं एक्चुअली में भाई एंड में डालता ना तो मेरे को ज्यादा वो मिल जाता यार बफ। मेरे को भाई एफएमके पोशन जो ना गाइस कभी भी एंड में डालना है। अभी 60,000 हो गया तो भाई अभी ये कितना बढ़ेगा, एक टाइम पे कितना बढ़ेगा, हाँ बढ़ तो रहा है भाई काफी बढ़िया वाला, ठीक है लेट्स गो। इसके हेल्थ में थोड़े से पॉइंट डाल देते और मैक्स टू मैक्स पॉइंट जो ना गाइस डाल देंगे इसके हम डैमेज में भाई, ठीक है, डैमेज में एकदम तगड़े वाले पॉइंट चाहिए। और मेरे को कम से कम जो ना गाइस 1000 जो ना गाइस यहाँ पे चाहिए होगा इसका स्टैमिना गाइस, ठीक है। चलो स्टैमिना भी हो चुका है और गाइस यहाँ पे अपन ने इसका डैमेज भी बढ़ा लिया। ये कौन सा लोंडा है रे, कौन है रे, हेल्थ ज़्यादा नहीं होगी तो भाई वाइब्रन से मार खाने के लिए रेडी। इन्फर्नल यार रे, इन्फर्नल के बच्चे, अरे फाड़ दूंगा मैं कच्चे, रुक जा बेटा, और तेरे रोते रहेंगे बच्चे। इन्फर्नल वाला तो नज़दीक जाते ही आग लग गई मेरे को भाई, इसके नज़दीक जाके भाई यहाँ पे आग लग गई मेरे को। वाओ, हेलो सर, हाउ आर यू भाई, फ्रीज कर डालूंगा फ्रीज। आग वर्सेस फायर गाइस, ठीक है, आग वर्सेस फायर, जीतेगा कौन, जीतेगा वही क्योंकि तुम्हारे भाई का स्टैमिना खत्म हो गया भाई, सिंपल सी बात है भाई, आग वर्सेस फायर भाई, ठीक है। चलना अंकल, मैं भग जाऊंगा भाई, तू अपने मिनियन मिनियन को बुलाएगा, मैं कल्टी मार लूंगा, रुक जाओ गाइस, मेरा स्टैमिना जो ना गाइस वो खत्म हो जाएगा, थोड़ा स्टैमिना भी ना बढ़ाने दो यार, यार विदाउट स्टैमिना जो ना गाइस दिक्कत हो जाती काफ़ी ज़्यादा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे ना पेड़ पौधों को तोड़ तोड़ के ना हम लोग जो ना गाइस वो कर लेंगे। वेट मिनट, अरे इन्फर्नल वाला भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला वो पड़ रहा है यार इफेक्ट, आग का इफेक्ट जो ना एकदम तगड़ा वाला पड़ रहा है मेरे को। वैसे मेरे बर्फ़ वाले अटैक से जो ना गाइस ये जो हमारा भाई यूटी है ना नीचे वो भाई काफ़ी ज़्यादा ही स्लो हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्लो भाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। रुको भाई, मैं थोड़ा अपने डैमेज में पॉइंट डाल देता हूँ अभी भाई, स्टैमिना जो ना गाइस वो मैंने इसका भाई ठीक ठाक तो कर ही दिया यार भाई, 1300 स्टैमिना कर दिया, और कितना स्टैमिना चाहिए बताओ, कितना 15 और लेवल आ गए क्या, डैमेज में डाल देता हूँ गाइस, डैमेज में डाल देता हूँ थोड़ी सी भाई, 1500 स्टैमिना कर दूंगा इसका, ठीक है। चलो आ जाओ, इन्फर्नल वाले जो ना गाइस इस लोंडे को आज तो मैं मार के रहूंगा, ठीक है। हेलो सर, हाउ आर यू, अबे यार मेरा अटैक लगता नहीं यार इसको, वैसे यूटी है बेटा वो, अगर बावड़ा कर दिया ना तो बैंड बच जाएगी इसकी और मेरी भी, ठीक है। इसको स्पॉन भी तो नहीं कर रहा ना, अच्छा अपने चुटको लाल को स्पॉन कर रहा है, अबे मर जाएंगे रे तेरे चुटको लाल, और तू भी मर जाएगा रे बाबा, मर जाएगा रे तू, मर जाएगा रे तू, ये ले बेटा, ये ले बेटा, मेरा डैमेज रिड्यूस कर दिया गया जिसने,
लेकिन इसको चेप तो जरूर डाला मैंने। अबे यार हार्वेस्ट करके तो भाई भाई उड़ा तो सही, इसने मेरे को पागल करा, लेकिन पागल होने के बाद तुरंत ही मैंने उसको हार्वेस्ट करा है। और गाइस ये जो रहा गाइस अपना क्या बोलते हैं यूटी का वो बफ लगा है मेरे को, इंफर्नल बफ लगा है, यूटी का बफ लगा है, रीजनरेशन लगा है। मतलब यहाँ पे ये जो हमारा प्यारा प्यारा सा वाइब्रेंट है ना गाइस, ये खुद को रीजेन कर सकता है, जो काफी ज्यादा कूल चीज है यार। लेट्स गो। मतलब अगर मैं किसी की डेड बॉडी खाते हो तो अर्जेंटिविस वाला जो है ना गाइस वो मेरे को मिल जाता है। अर्जेंटिविस कैसे भाई खुद को रिजेन कर लेता है, वैसे मैं खुद को रिजेन कर सकता हूँ, ये काफी अच्छी बात है। और मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड और भाई वो यूटी का वो भी मिल गया, लंग्स भी मिल गए यार। लेट्स गो ब्रो। और गाइस ये मिल्क जो है ना गाइस ये बताने गाइस कहाँ पे और कैसे डालूंगा, अभी फिलहाल के लिए मेरे पास ही रख देता हूँ। जो इसके मिनियन है गाइस वो गायब हो चुके हैं यहाँ से भाई, ठीक है चलो आ जाओ। भाई कौन चिल्लाते रहता है यार यहाँ पे बार बार। अभी जो ना गाइस चल के और भी खतरनाक से डायनोस को हम टेम कर लेते हैं गाइस, ठीक है। बॉसेस को मारने के लिए ना एक काम करेंगे भाई, बॉसेस बिसेस डायनो इवोल्यूशन ये सब। अरे शैडो है यार, शैडो है भाई ये। मैं कितना ज्यादा खुश हो गया था कि भाई मेरे को वुल्फ वापस से मिल गया यार अल्फा वाला, बट शैडो निकला गाइस, शैडो निकला। ये फ्यूनिक्स तू कैसे टेम होगा रे बाबा, नॉकआउट टेम है, टॉक्सिक फ्यूनिक्स है, बट टॉक्सिक फ्यूनिक्स को मैं नॉकआउट टेम नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। सो उसका भाई नॉकआउट करके बस हम वो निकाल पाएंगे, सोल निकाल पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे खास। मैंने अल्फा वाले क्रीचर यहाँ पे देखे थे, मैं अल्फा वाले क्रीचर के लिए यहाँ पे आऊँगा इस, ठीक है। मेरे को ना अल्फा वाला वो चाहिए, मैं सो बंदर है क्या भाई, अगर मेरे को अल्फा वाला बंदर मिल गया तो मजा आ जाएगा ना गाइज। जो अल्फा वाला था नहीं एलिमेंटल ही है यार, यार सारे वो वुल बिल। नाइट किंग ग्रिफिन यार क्या ओपी लग रहा है गाइस, नाइट किंग ग्रिफिन देखो तो भाई, लुक तो देखना इसका कितना ज़्यादा खतरनाक वाला लग रहा है। बट अपने हैसियत से बाहर है अभी फिलहाल के लिए गाइस वो। भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा भजड़ मची हुई है, थोड़ा सा लैगम लैग हो रहा था यहाँ पे, मेरे को लग रहा है यहाँ पे काफ़ी खतरनाक वाले डायनो जो है जो अपना डेरा डाल के बैठे। इस ग्रिफिन को एक दिन भाई जरूर टेम करूंगा मैं। ये वाला फिनिक्स भाई, ये फिनिक्स अपने मिनियन बुला सकता है, इन्फर्नल है ना, थोड़ा सा पावरफुल लग रहा है। अमांगा, अरे अमांगा सोरस टीम मार सकता है ना गाइस मैं। मिथिकल ड्रेक्स भी है भाई यहाँ पे, काफी खतरनाक वाले डायनोज है। अगर मैं अल्फा वाला अमांगा सोरस भाई टीम मार लेता हूँ ना, तो मैं उसकी पावर से ना दूर दूर तक जो है ना अटैक कर पाऊंगा। और गाइस मेरा बर्निंग आइस वाला बीस वाला वो सारे अटैक जो ना गाइस मेरे काफी ज्यादा काम आएंगे गाइस, मजा आ जाएगा गाइस। ये क्या है रेडिएशन, ये किससे मिला मेरे को। अबे यार डायनोज के पास क्या क्या एबिलिटी है भाई, हवा में उड़ते उड़ते रेडिएशन दे दिया मेरे को। रुक जाओ इसको जला के खा कर देता हूँ, लेट्स गो। हार्ट और थोड़ा सा हाइड भी तो मिल जाएगा इसका फोकट में गाइस, इससे लेदर बिदर बना लेंगे और एकदम गॉड लेवल का आर्मर पहन के आऊंगा, फिर देखता हूँ ये लोग क्या कर पाते मेरे को, स्टन भी नहीं कर पाएंगे भाई। ट्रैकर 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 ट्रैकर, हाँ नाइस, मेरे को मार दो, नाइस खतरनाक खतरनाक, हाँ जी हाँ जी खतरनाक भाई भाई। अच्छा हुआ सब सब सामान जो है ना मरने से पहले मैंने निकाल लिया था, थोड़ा सा गलत बंदे को ना बाइट अटैक दे दिया, मेरे को लगा नॉर्मल सा गाइस वो फ्रॉग होगा, बट गाइस वो काफी खतरनाक वाला फ्रॉग निकला, एंड उसने बिजली के झटके दे दे के तुम्हारे भाई को मारा गाइस, ठीक है। लेकिन गाइस कुछ भी बोला हमारा वाइब्रेंट काफी ज्यादा ओपी है गाइस, ठीक है। ये किसी को भी फ्रीज कर सकता है यहाँ पे, जो कि काफी ज्यादा ओपी चीज मेरे को लगी गाइस भाई। सस्ते नचे यार, मैंने बेड पे रिस्पॉन नहीं मारा है, मैं कहाँ पे स्पॉन हो गया हूँ, अरे कहाँ रिस्पॉन मारा है बेस क्या भाई, कौन से भाई अली बाबा की गुफा में रिस्पॉन मारा है मैंने, ये आ कहाँ गया हूँ यार मैं, ये जगह थोड़ी सी अलग लग रही है गाइज। तभी बोलो इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है एलिगेटर, खाना है क्या, अच्छा खा ले, फुल इग्नोर मार रहा है, फुल इग्नोर मार रहा है, आ रहा है आ रहा है, खा ले खा ले खा ले बेटा, तेरे से ना हो पाएगा, ना ना ना, उल्टा मैं तेरे को भाई बुक्के मार मार के बेहोश कर लूंगा, ठीक है, बुक्के मार मार के मैं तेरे को बेहोश कर दूंगा भाई। अगर भाई मैंने इसको बुक्के मार मार के बेहोश करा ना तो भाई साहब मजा आ जाएगा गाइस, क्या बोलते हो। अगर मैंने इसको बुक्के मार मार के बेहोश करा तो गाइस क्या बोलती पब्लिक भाई, भाई मजा आएगा कि नहीं भाई। गाइस बेहोश छोड़ो, मेरे को लग रहा है बुक्कों से मरने वाला है मेरे, इतना पावरफुल बन गया क्या तेरा भाई, पूरे भाई हेलो भाई अपना जगन्नाथ, बाप रे भाई 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 हाथ हाथ में इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई भाई, राइट हैंड क्या भाई, राइट हैंड भाई इतनी ज्यादा पावर राइट हैंड में कैसे आ गई भाई, कुछ तो गड़बड़े दया भाई, ठीक है कुछ तो गड़बड़े भाई साहब, क्या पेला है भाई मैंने भाई।
हाथ से पेड़ डाला एलिगेटर को भाई, देख रहे हो इस मोड में ना तुम्हारा भाई एकदम ओपी है क्या? अरे उधर नहीं जाऊंगा, ट्राइब्समैन ना क्या करेंगे बता, मेरे को मारेंगे नहीं भाई, मेरे को ना बेहोश करके वैसे खड़े करके रख देंगे यार, ये मारते नहीं आराम को रहेगा इस बहुत ज्यादा। देखना भाई मैं ट्राइक को बुक्का मार दे, ट्राइक चेप डाल मेरे को, चेप डाल, मारो इसको, मारो सबको, मारो सबकी, मारो बेस गया टाड़ा टेढ़ा करके, मारो रे मारो रे भाई, मारो मारो भाई, हाँ शाबाश, ट्राइक मार देगा ये, ट्राइब्समैन का पता नहीं लेकिन ट्राइक जरूर मार देगा। नाइस भाई, यू किल्ड योर सेल्फ भाई, देख रहे हो हम किसी के हाथों मरे नहीं गाइज, ठीक है हमने जो ना गाइज खुद की जान खुद ली है यहाँ पे, समझ रहे हो गाइज, समझ रहे हो, खतरनाक ना, मजा आ गया गाइज। चलो भाई अभी जो ना गाइज मेरा जो सामान है ना सारा का सारा वो फटाक से ले लेता हूँ मैं, बस इस बार ना मैं बेस पे भाई टीपी मार लूँ, बेस पे स्पॉन हो जाओ, कहीं और स्पॉन ना हो जाओ, ओके। इस बार तुम्हारा भाई जो ना गाइज अपने खुद के घर पे स्पॉन हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलो लेट्स गो, अभी यहाँ पे ना फटाक से जाके मेरा सारा सामान जो ना गाइज मैं उठा लेता हूँ। आर्मर तोड़ दिया था क्या मेरा? सबसे पहले तो आर्मर ही तोड़ा था मेरा भाई। गाइज मैं जो ना गाइज अगले एपिसोड में सबसे पहले जो ना गाइज एक खतरनाक ओपी सा आर्मर बनाने की कोशिश करूंगा गाइज, ठीक है। मेरे को चाहिए एकदम खतरनाक ओपी वाला आर्मर भाई, मेरे को पता नहीं मेरे को मंगता भाई, ठीक है। हाइट भाई जो ना गाइज जितना भी हाइट मेरे पास पड़ा हुआ है ना सारा हाइट यहाँ पे डाल दूंगा मैं। वेट अ मिनट भाई, थोड़े अच्छे अच्छे वाले ना अच्छे हाई क्वालिटी की जो ना गाइज सिल्क बनानी है मेरे को, एकदम एकदम खतरनाक और हाई क्वालिटी वाली सिल्क, ठीक है। यहाँ पे जो ना गाइज इसको क्या बोलते हैं लेदर ना, लेदर भाई जितना भी मिला है ना गाइज सारा उठाने दो, लेदर लेदर कितना है मेरे पास, उठा ले लेदर सारा, सारा लेदर क्या करूँगा बताए क्या? ए अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने, लेदर के साथ साथ मैंने क्या क्या उठा लिया गाइज अभी यहाँ पे, स्किन तो मैंने ड्रॉप ही नहीं करी यार। अच्छा मेरे इन्वेंटरी में उतना ज़्यादा सामान था नहीं, अभी जो ना गाइज मेरे को सारा सामान वापस से इसके अंदर डालना पड़ेगा, रुको रुक जाओ, सारा सामान जो है ना गाइज वापस से डाल देता हूँ, और लेदर जो है ना गाइज उसका वो बनाने के लिए डाल देता हूँ, सिल्क तो अभी बन नहीं पाएगा ठीक है, बट बाकी की चीज़ें जो है ना गाइज वो बनाने के लिए डाल देते हैं। हियर वी गो, एंड बाकी की चीज़ें कहाँ पे बनती थी, ये इसमें डालना है ना मेरे को, हाँ यहाँ पे पहले सुखाने के लिए डाल देना इसको, और इसको सुखाने के लिए ऑटोमेटिकली सूखेगा के लग तो रहेगा, इसके ऑटोमेटिक सूखने वाली प्रोसीजर है, ठीक है भाई। चलो लो भाई ये ले भाई, ग्रीन हरा नीला पीला, अच्छा पीले कुछ ज़्यादा ही डाल दे क्या, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, पहले ये वाला डाल दे लाल, देन ये वाइट वाला डाल दे, देन येल्लो वाला डाल दे, देन ये वाला, देन ये वाला, ग्रीन वाले तो काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, और उसके बाद येल्लो वाला वापस से भाई, ठीक है लेट्स गो। तो गाइज यहाँ पे जो है ना गाइज आज का एपिसोड इसी के साथ खत्म करने का ये पे टाइम आ चुका है, अगले एपिसोड में सबसे पहले मैं गॉड लेवल का जो आर्मर है ना गाइज वो बनाऊंगा, क्योंकि गाइज ये जो अगर मेरे को ऐसे डायनो झटके बिटके देते रहे ना तो मेरी जो है ना गाइज बैंड ऐसी बचती रहेगी, जो आर्मर है ना गाइज उनके पास कुछ एबिलिटीज है गाइज, ठीक है वो आर्मर की एबिलिटीज क्या है ना गाइज वो मैं आपको अगले एपिसोड में बता दूंगा। वैसे आपको हमारा प्यारा प्यारा सा खतरनाक सा जो भाई वायरन है ना गाइज वो कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, जिस वायरन की दो दो आंखें और खतरनाक से दहा दे गाइज, अगर आपको हमारा वायरन पसंद आया होगा ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और एक और बात इस वायरन के लिए अच्छे अच्छे नाम नीचे कमेंट में जरूर डाल देना गाइज, फीमेल वायरन है ये तो फीमेल वाले नाम जो ना गाइज वो नीचे कमेंट सेक्शन में आ जाने चाहिए गाइज, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, आर्क सर्वाइवल बोल के गाइज आर्क अवतार 2 के, तब तक के लिए बाय एंड गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइज, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइज, मिलते हैं अगले एपिसोड में। Now I remember you and me, and how careless we'd be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.